पंत प्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब की कई रैली को छोड़ दिल्ली लौटे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से विविध टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा भी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। पहली बात तो एसपी जी ने जो रूट दिया है उसी से प्रधानमंत्री जी ने जाना ही था, लेकिन कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया जो उनकी आदत है, और इन्हें खुद ने रूट बदला और उसमें सिक्योरिटी का लैकुना आया, और इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री रिजाइन देना चाहिए, ये मांग बीजेपी कर रही है। ये उनकी एक सहानुभूति लेने का काम है। सही में तो एसपी जी के नियम को तोड़ना, यही गलती खुद प्रधानमंत्री जी ने की है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद रिजाइन करना चाहिए, ये मांग हम करते हैं। दूसरा महत्व का इशू है कि जो तीन काले कानून जो किसान के विरोध में लाए थे, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों को आंदोलनजीवी कहा था, आतंकवादी कहा था, नक्सलवादी कहा था, पाकिस्तानी कहा था, और मैं 700 किसानों के मौत का मैं जवाबदार नहीं हूं, इस तरह का वक्तव्य करना आज वो पूरे देश के किसानों को आज भी वो दर्द है कि किसानों को बेइज्जत करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश में देखा गया, और उसी का परिणाम है कि पंजाब के किसानों ने उनकी उनकी जगह दिखाई है। कांग्रेस किसानों के साथ है और बीजेपी सहानुभूति लेने का काम जो करने की कोशिश।